हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया है। तो गाइस सॉरी, वीडियो नहीं आ पाई, एक दिन ज्यादा लेट हो गई वीडियो, क्योंकि मेरे को फीवर हो गया, तो मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। बट यार अब ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो बना कर दे दी। तो भाई आज की इस वीडियो में हम पोको M3 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और उसका फ्री फायर टेस्ट करने वाले हैं। आपको अगर ये फोन परचेज करना है, कोई भी डाउट है इस फोन के बारे में, सारे डाउट आपको इस फोन के बारे में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आप जाता है। रुको जरा, सबर करो। रुको जरा, सबर करो। फ्री फायर का टाइट करने से पहले भाई, अगर जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, पहली बार बता रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरे से कोई पर्सनल बात करनी है तो कुछ भी ठीक है, फ्री फायर का कोई अपडेट मैं वहाँ पे जल्दी से दे देता हूँ, कोई न्यू अपडेट या कोई भी न्यू चीज। और भाई फोटोग्राफी पोको X3 की वहाँ पे आपको मिल जाएगी, बहुत कुछ मिलेगा। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, स्क्रीन पे आपको यूजर नेम शो हो रहा होगा और भाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो जाके फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे कुछ बातचीत करेंगे भाई, मजे आएंगे। तो भाई जल्दी से फ्री फायर की टेस्ट चालू कर ले। तो भाई मैंने इसकी सेंसिटिविटी मतलब सेटिंग ओपन कर ली है पोको M3 में, और भाई यहाँ पर अल्ट्रा हाई FPS सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। बट यार मैं तो टेस्ट करने वाला हूँ वो अल्ट्रा हाई FPS पे करने वाला हूँ, तो भाई मैंने अल्ट्रा हाई FPS सिलेक्ट कर लिया। वैसे मैं बात करूँ तो आप स्टैंडर्ड हाई FPS पे खेलो, आपको बेस्ट रहेगा। अगर आपको अल्ट्रा पे खेलना है तो हाई FPS ऑफ कर देना, बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा आपका। वैसे भी पोको M3 की बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, चैनल पे जाके चेकआउट करना। तो भाई हम जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट कर लेते हैं, और जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड में हम हेडशॉट मार गिरा देते हैं बंदों को। आप गेम प्ले एंजॉय करो, तब तक मैं जो भाई ने कमेंट किया था हेडशॉट से रिलेटेड, तो भाई देखो अगर आपको हेडशॉट के ऊपर किसी को भी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं हेडशॉट के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। और वैसे ये भाई बोल रहे थे कि 2GB फोन है, इसका फायर बटन साइज बताओ। तो भाई देखो फायर बटन साइज मैटर नहीं करता है, और अपनी कस्टम एक्टिविटी चेंज भी नहीं करना चाहिए अगर आपकी 50 लेवल से ऊपर। अगर आपकी लेवल 50 से नीचे है तो आप अपना फायर बटन मतलब कुछ भी कस्टम एचयूडी चेंज कर सकते हो। अगर आपकी लेवल 50 से ऊपर है तो कस्टम एचयूडी कभी भी चेंज मत किया करो। मेरा गेम प्ले भाई कस्टम एचयूडी से खराब हो जाता है, क्योंकि फिर कितना भी सेट कर लो वैसे पहले वाली सेट नहीं हो पाती है। तो भाई अपनी कस्टम एचयूडी चेंज मत किया करो कोई भी वीडियो देख के, मेरी सही है किसी और की सही, क्योंकि कस्टम एचयूडी उसी कस्टम एचयूडी पे आपका हेडशॉट लगेगा। कस्टम एचयूडी मैटर नहीं करती हेडशॉट में, मैं ये आपको बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ मैंने टेस्ट कर चुका हूँ। भाई आपके अगर हेडशॉट लगने होंगे, आपका डिवाइस अच्छा, आपकी स्किल अच्छी है, तो आपके हेडशॉट वैसे ही लग जाएंगे। बकाया भाई आपको मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हेडशॉट के ऊपर में ही अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो उसकी नोटिफिकेशन मिलने के लिए, और भाई कमेंट में बता देना आपको भी चाहिए हेडशॉट के रिलेटेड वीडियो, क्योंकि भाई ने बोला था कि मैं अच्छे हेडशॉट लगा लेता हूँ। मैं भाई बेंटेक हेडशॉट लगाता हूँ, हेडशॉट की भी कई टेक्निक्स होती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो भाई गेम प्ले आप देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पोको M3 का गेम प्ले चल रहा है, काफी अच्छे हेड लग रहे हैं और कस्टम एचयूडी थोड़ी नई है, तो इसलिए मूवमेंट स्पीड पे ध्यान मत देना भाई, मूवमेंट स्पीड बेकार चल रही है मेरी, क्योंकि नए फोन में खेलने में भाई प्रॉब्लम होता है थोड़ा, और हैंड कैम नहीं बना पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। वैसे इसको ऑलरेडी हैंड कैम अपलोडेड है, चैनल पे जाके चेकआउट करना, लिंक आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। भाई पोको M3 एक अच्छा डिवाइस बन जाता है, क्योंकि पोको M3 1 मिलियन से ज्यादा फोन इंडिया में सोल्ड हुए हैं पोको वालों के, तो भाई बहुत ज्यादा बिकाता है ये फोन, अच्छा फोन है। मैं भी प्राइस के हिसाब से बेकार नहीं कहूंगा, 6000 mAh की बैटरी, स्टीरियो स्पीकर इस प्राइस रेंज में भाई 10.5 हजार का आपको मिल जाता है, 464 वाला वेरिएंट, तो अच्छी बात है। आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं भाई, ये आपको डिसीजन लेना है, बट मैंने ओवरऑल बता दिया ये फोन अच्छा है प्राइस के हिसाब से। भाई 662 एवरेज का प्रोसेसर है, ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा क्योंकि 11 nm पे बेस्ड है, तो भाई ठीक ठाक प्रोसेसर है, प्राइस के हिसाब से आपका काम आराम से चला देगा। और गेमिंग की बात करें तो स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बिना ईयरफोन के गेम खेलते हो तो मजा आएगा आपको। स्पीकर ज्यादा तो लाउड नहीं है, बट यार क्वालिटी अच्छी है स्पीकर की, भाई क्वालिटी सच में अच्छी है स्पीकर की, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर की बात अलग ही होती है। तो भाई वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, गेम प्ले बहुत आपने एंजॉय कर लिया होगा, और वीडियो देख लेना पोको M3 की, उनमें एंजॉय कर लेना, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना कोई भी बातचीत के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।